दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की आखिरी लड़ाई होने जा रही है। साथ ही बताएंगे आपको भारत की प्लेइंग 11 के बारे में, वो कौन सी प्लेइंग 11 होगी जिसमें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को आसानी से तीसरा T20 मैच हरा सकती है। वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि क्रिकेट जगत की हर पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों तीसरा T20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 फरवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा T20 मुकाबला लो स्कोरिंग हुआ लेकिन बहुत ही रोमांचक देखने को मिला। 100 रन बनाने में भारत की हालत खराब हो गई थी। अब देखना होगा कि कप्तान हार्दिक पांड्या तीसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 में क्या परिवर्तन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीम में 2 बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओपनिंग शुभमन गिल और ईशान किशन ही करेंगे। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या राहुल त्रिपाठी की जगह धुरंधर बैट्समैन पृथ्वी शॉ को शामिल कर सकते हैं। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर को नंबर 5 पर भेजा जा सकता है क्योंकि हार्दिक पांड्या पिछले मैच में अपने आप को 6 पर भेजे थे। हुड्डा नंबर 7 पर आ सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप और चहल की जोड़ी नजर आएगी या फिर उमरान को शामिल किया जाएगा क्योंकि अहमदाबाद की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। अर्शदीप सिंह और शिवम मावी 9 और 10 पर खेल सकते हैं।